पुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ज्योतिष से संबंधित जानकारी यूट्यूब में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। 18 अक्टूबर 2023 को सूर्यदेव एक महीने के लिए इस राशि पर तुला राशि पर भ्रमण करने जा रहे हैं, जो 17 नवंबर 2023 तक रहेंगे। तुला राशि में सूर्य का जो भ्रमण है वो नीच राशिगत होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो तुला राशि में नीच का होता है। तुला राशि में सूर्य जब नीच का होगा तो ऐसे में सिंह जातकों के लिए क्या परिणाम देकर आएगा यह बता रहा हूं। उसके बारे में अधिक विलंब न करते हुए सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि को लगभग यानी कि 1:30 तो ऐसे 17 अक्टूबर आ रहा, लेकिन रात को 12 बजे बाद 18 अक्टूबर लग जाएगी, इसलिए मैं 18 अक्टूबर बोल रहा हूँ। 18 अक्टूबर को 12 बजे बाद 1:30 पर कन्या राशि से निकलकर सूर्यदेव तुला राशि नीच राशि में एक महीने तक गोचर करेंगे, जो कि 17 नवंबर 2023 तक रहेंगे। सूर्य का राशि आपकी राशि में इस महीने में आपके लिए क्या लेकर आया है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह महत्वपूर्ण विषय है। ये 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 आपके लिए एक मिसाल यादगार बनने वाला है। बेशुमार आपको धन दौलत देने वाला है, आपकी सारे मनोकामना पूरी करने वाला है। मान सम्मान बढ़ोतरी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप कैपिटल मार्केट में कार्य करते हैं तो इसमें भी जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। कारण क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये चंद्र कुंडली के हिसाब से, जिसका चंद्र कुंडली है उसके हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूं। वैसे इसमें तुला राशि में जब सूर्य आता है तो नीच का आता है। 18 अक्टूबर को जब सूर्य इसमें प्रवेश करेगा तो वहां पर मंगल पहले से ही स्थित है और केतु भी स्थित है, तो केतु का सूर्य के साथ थोड़ा 31 अक्टूबर तक थोड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है, सूर्य के साथ केतु का होना यह अलग दोष लगता है। तो 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाली बात है। और उसके बाद में जब है लग्न का स्वामी सूर्य कुंडली के तृतीय स्थान पर, जब लग्न की जब हम बात कर रहे हैं तो लग्न का स्वामी 5 लिखेंगे लग्न पर, तो लग्न का स्वामी तुला राशि यानी कि अपने से तीसरे स्थान पर जो पराक्रम का कहलाता है, तो पराक्रम में है वहाँ पहले से ही मंगल स्थित है। साथ ही बुध ग्रह भी 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में तुला राशि में सूर्य मंगल बुध त्रिग्रह योग बन रहा है। यह इस योग से जो इन तीनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे स्थान पर सातवीं दृष्टि जब पड़ती है तो ये भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य भाव में मेष राशि पर अपनी मित्र राशि है उस पर गुरु स्थित है, तो सूर्य बुध और मंगल इन तीनों का दृष्टि संबंध आपके सीधा सीधा भाग्य भाव पर पड़ रहा है। भाग्य भाव पर गुरु जो है नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस का मतलब होता है गुरु भाग्य का कारक है और नाइन्थ हाउस का भी कारक है और धन कारक भी कहा गया है, इसको जीव कारक भी कहते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 को
जो ये केतु है वो अपने स्थान को परिवर्तन कर देगा। तो उसके बाद में 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर का जो समय है वो अत्यंत बेहतर रहने वाला है। इसमें कोई भी आप कार्य करेंगे तो सफलता आपको हाथ लगेगी। और इससे पहले यदि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य यदि कोई नया कार्य करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि शनि की जो है कुंडली में शनि सस नामक योग बनाकर सप्तम स्थान में बैठा हो आपकी राशि के अनुसार कुंभ राशि में, और उसकी सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। और ऐसे में जब शनि कुंभ राशि में सातवें स्थान पर बैठा हुआ है तो इसकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। तो सस योग नामक जो बनता है उसकी जो तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो ये शुभ माना गया है। और जो अक्टूबर का महीना निकलने के बाद में जब नवंबर माह प्रारंभ होगा तो ऐसे में आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये सारी बात जो मैंने बताई है भाग्य का कारक गुरु भाग्य स्थान पर बैठकर मित्र राशि में बैठकर और सूर्य से संबंध बना रहा है। तो ये आपसी जो संबंध है सूर्य मंगल जो दोनों इसकी मित्र राशियां हैं, तो आप जो भी कार्य करेंगे पराक्रम से परिपूर्ण होगा, आपके ओज जोश बढ़कर रहेगा और सबसे आपके जीवन पर सभी फल आपको जो 9th हाउस के जो फल मिलने चाहिए वो सारे फल आपको इस अवधि में मिलेंगे। ये 9th हाउस भाग्य भाव तो कहलाता ही है, इसके अलावा ये धर्म का स्थान भी कहलाता है। तो ऐसे में सूर्य मंगल और बुद्ध की जब दृष्टि भाग्य भाव और धर्म भाव पर पड़ेगी तो आप पर धर्म का इफेक्ट 100% पड़ेगा। आपके जो भावना है वो धार्मिक होगी, आध्यात्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धर्म यात्रा धार्मिक यात्रा इस अवधि में निश्चित हो सकती है। आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आपका जो खर्चा होगा वो धार्मिक स्थानों पर होगा और ये धर्म निश्चित कराएगा। और आप एक जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे इस अवधि में लक्ष्य निर्धारित करने पर आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा यह ग्रह योग। तो आप बेफिक्र हो जाइए, सूर्य नीच राशि में स्थित है लेकिन उसके बावजूद भी ये अशुभ परिणाम नहीं दे रहा है। कारण क्या है, बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो बुध आदित्य योग का शुभ परिणाम आपको मिल रहा है। और बुध आपकी कुंडली के अनुसार जैसे चंद्र कुंडली बताए मैंने तो दूसरे स्थान पर कन्या राशि ली हुई है। कन्या राशि होने के कारण कन्या राशि का स्वामी सूर्य के साथ स्थित होगा तो दूसरा जो भाव है वो धन भाव कहलाता है। तो इस अवधि में आपको धन वर्षा जो भी कार्य करेंगे धन संबंधी लाभ होगा। यदि आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो पैसा मिलेगा। और इसी नवंबर में 30 अक्टूबर के बाद में शुक्र भी कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कन्या राशि वो नीच राशि कहलाती है इसकी शुक्र की, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र का एक नियम है कि शुक्र जिस स्थान पर बैठता है उसके आगे वाले दूसरे स्थान को धन वृद्धि करता है। यह इसके जो शुक्र के जो गुण होते हैं वैभवशाली जीवन जीना, धन देना, ऐसे विलासिता का भोगना, ये सारी जितनी यह वस्तु हैं ये अगले नेक्स्ट वाले जो भाव हैं उसको देता है। तो ऐसे में जब शुक्र दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो इसका प्रभाव आपके 3rd हाउस पर जहाँ पर ऑलरेडी सूर्य मंगल और बुध बैठे हुए हैं इन पर निश्चित पड़ता है। तो ये 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर का जो पीरियड है इसमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, कोई रुका हुआ कार्य तो उस रुके कार्य सफलता मिलेगी। और यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो नई योजना आप 31 अक्टूबर के बाद में यानी कि 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के मध्य बनाएंगे तो आपको इसमें भी फायदा होगा। आपको राज सम्मान से सम्मानित
होने की पूरी संभावना है, या यदि आप किसी सोसाइटी वगैरह से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। और यदि कोई टेंडर का कार्य करता है, सरकारी टेंडर का, तो उस टेंडर का काम इसको जरूर मिलेगा इन राशि वालों के लिए। तो आज इतना ही। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर अति उत्तम और बेहतर है, और नई नई योजनाएं और नई नई आपको सफलताएं दिलाएगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बन रही है, स्वास्थ्य पे तो हो, उस पर स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है। इसलिए आपको सूर्यदेव को इस अवधि में पूरा अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो यह महीना आपके बल्ले बल्ले, यह बहुत बेहतर रहेगा। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही, फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा।